साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही, देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बना जो बना बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये थी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी ये आप भलीभांति जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे, वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी। कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में
मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। पहले साफ सफाई की शिकायतें भी बहुत कम आती थी, रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था, ऊपर से ट्रेनें कई कई घंटे लेट चला करती थी। आज साफ सफाई भी बेहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें भी निरंतर कम हो रही है। पहले तो स्थिति ये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। आपको याद होगा, पहले टिकटों की कालाबाजारी तो शिकायतों में सामान्य बात थी। मीडिया में आए दिन इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमने ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान किया है।